जय हिंद। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एजे स्टडी बेटी पर। साथ हो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आउट हो चुका है, आप सभी को जानकारी मिल गई होगी। साथ हो जैसा कि आज संडे है और बहुत सारे बच्चों लगातार कमेंट कर रहे थे कि आज संडे को रिजल्ट नहीं आएगा, हमने सुबह एक वीडियो डाला था जिसमें बताया था आज रिजल्ट आने वाला है आप सभी को, शाम को 6 सब्जेक्ट के आसपास रिजल्ट आ सकता है, मैं आपको बताया था। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्लेम कर रहे थे कि सर आपका जो है वो झूठ बोल रहे हो, रिजल्ट नहीं आएगा। तो फाइनली रिजल्ट इसका आउट हो चुका है। देखो यार, सबसे बड़ी बात है कि आप सभी नॉर्मलाइजेशन स्कोर कैसे चेक कर सकते हो, अपना स्कोर का डाउन कैसे कर सकते हो, ये पहले बता देता हूँ। और जो बच्चों का हुआ है उन सभी के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन, आपने मेहनत किया था, आपका जो यहाँ पर सफल पात्र मिल गए। और यहाँ पर आप सभी का फिजिकल भी डेट आउट हो चुकी है। देखो यार, पहले नंबर आपको चेक करने क्या करना है वो पहले बता देता हूँ। अभी बहुत सारे बच्चों का डाउट है कट ऑफ को लेकर, कट ऑफ कितना गया है, कैसे गया है वो पहले बताने के लिए। तो कट ऑफ मेरे हाथ में यह देख सकते हो इधर जो है पूरा डिटेल से, जैसे जितना पोस्ट वाइज भर्ती थी सब अलग अलग कट ऑफ के साथ आप देख सकते हो इधर, सबका कट ऑफ अलग अलग है भाई। जनरल कैटेगरी के लिए अलग कट ऑफ है, ओबीसी के लिए अलग है, एससी के लिए अलग है, एसटी के लिए अलग है, ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ अलग है। जैसे यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए फीमेल में जैसे तो लेट सेकंड में 3216 बच्चों का कैंडिडेट का शॉर्ट सेलेक्ट हुआ है। एससी कैटेगरी के लिए 5148 हुए हैं, एसटी कैटेगरी के लिए 1800 हुए हैं, ओबीसी के लिए 1704 हुए हैं, उसमें ईवाई के लिए 1824 हुए हैं। अब कट ऑफ जो है सबका अलग यहाँ पर दिख गया है, यहाँ पर देख सकते हो उसी प्रकार सबका अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ अलग है। जैसे ई डब्ल्यू एस के लिए जो कट ऑफ है यहाँ पर 60 मार्क्स का बना है, और एस सी के लिए यहाँ पर 57 मार्क्स बना है। बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि सर नॉर्मलाइज भी हुआ है कि नहीं हुआ है इस पर। देखो यार, नॉर्मलाइज हुआ है, बहुत सारे बच्चों का डाउट है, क्लियर कर दूँ, नॉर्मलाइज इस पर हुआ है। आप सभी को नॉर्मलाइजेशन स्कोर कैसे चेक करना है उसका, सब तो अभी सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन करके रखो, मैं थोड़ी देर में लाइव आ रहा हूँ, वहाँ पर मैं लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ आप सभी को कि अपना जो है नॉर्मलाइजेशन स्कोर कैसे चेक कर पाओगे। और यहाँ इसका देखो रिजल्ट जिन्होंने नहीं चेक किया है, नीचे लिंक दिया हुआ है, नीचे लिंक देख डिस्क्रिप्शन में उसमें ले दिया है टेलीग्राम का, टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लो, वहीं मैं रिजल्ट डाल दिया हूँ, पूरा रिजल्ट चेक कर सकते हो, तो रिजल्ट का पूरा पीडीएफ डाल दिया हूँ, तो रिजल्ट चेक कर लो। और जिन्होंने सर तो अभी जो आप सभी का सिलेक्शन जो हो गया है भाई, आपने मेहनत किया था आपका सिलेक्शन हो गया। और यहाँ पर आप सभी को बता दूँ सतु, जो बच्चे फिजिकल के लिए प्रिपेयर नहीं करे, फिजिकल प्रिपेयर है जो आपका जनवरी के 3rd वीक में, तो फिजिकल भी स्टार्ट हो चुका है, इसलिए फिजिकल जल्दी से जल्दी प्रिपेयर हो जाओ। और इसका पूरा रिजल्ट जो है हमारे पास आ चुकी है और नीचे मैं लिंक में डाल दिया हूँ, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना आप सभी को। और जो खैर पहले बताता हूँ आप सभी का फिजिकल के समय, आपका फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय क्या क्या समय लगेगा वो पहले बताता हूँ। जो बच्चे पास हुए आपका 5 फोटो लगेगा, और यहाँ पर लगेगा फर्स्ट हो गया साथ आपका आधार कार्ड लगेगा या फिर पैन कार्ड लगेगा, सेकेंड जाति प्रमाण पत्र लगेगा, जो ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते उनका जाति लगता है, जनरल कैटेगरी जाति प्रमाण पत्र नहीं होता है, निवास प्रमाण पत्र लगेगा। जिन्होंने पसंद नहीं है बनवा लो भाई, क्योंकि समय बहुत कम है और लगभग 1 मिनट लगता है बनाने में ही, 15 से 1 मिनट लग जाते हैं। ऑनलाइन करवाओ, अभी फॉर्म लिख लो, उसका अलग फॉर्म आता है जाति प्रमाण का, निवास प्रमाण पत्र का, वो अपने नाम से बनाने में बहुत दिक्कत होती है, ऐसे जल्दी हो सके जल्दी बनवा लो, जैसे भाई डीबी में शायद ला सकते हो, इसलिए ध्यान रखना चीज़ों को। ऐसा तो नहीं हो भगवान करे कि कोई छटाए नहीं, लेकिन आपको क्लियर कर दिया, जितना उसके वीडियो को शेयर कर दूँ दोस्तों के पास, और नीचे लिंक दिया हुआ है जाकर जो है यहाँ पर चेक कर लो अपना रिजल्ट। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब कर रखो, मैं नॉर्मलाइजेशन स्कोर कैसे चेक करना है उसके लिए लाइव आ रहा हूँ 1-2 घंटे के अंदर में, क्योंकि मैं सेटअप तैयार कर रहा हूँ, उसका लिंक प्रोवाइड हो चुकी है, तो सब कुछ वीडियो में आगे बताएंगे, तो अभी मैं लाइव आ रहा हूँ उस समय बताएंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि नोटिफिकेशन को ऑन करो जैसे मैं लाइव होंगे वो पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।